पहले ही बता देते हैं, कभी कभी हम बहुत जल्दी जल्दी बोल देंगे, जल्दी जल्दी बोलने लग जाएंगे तो जोर से चिल्ला देना। तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मेरा नाम प्राची कुमारी। अरे शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम प्राची कुमारी है। मेरा मार्क्स 680 आउट ऑफ 720 था और मेरा रैंक 780 था। एक चीज जो हम, अरे बाप रे बाप, सच बोले तो एक चीज जो मैंने रियलाइज किया है कि ड्रॉप ईयर में ना पेरेंटल सपोर्ट बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। सच बोले तो मेरे पापा जैसे, पापा के बारे में बताते हैं, कभी भी मेरा रैंक 1 या 2 आता था तो वो हम रिजल्ट भेज देते थे। पर कभी भी 30, 60, 100 आता था, हम नहीं भेजते थे पापा को। पर हमको ये एग्जाम के बाद पता चला कि पापा को सब SMS आता था, सब का सब। पर पापा ने कभी भी आज तक हमको कुछ नहीं बोला। ड्रॉप ईयर के पहले भी कोई भी डिसीजन फोर्स नहीं किया। पूछते थे कि तुमको MBBS करना है कि नहीं, ये बताओ। मम्मी भी पूरा का पूरा हमेशा पुश करती थी हमको कि नहीं, 600 प्लस क्यों सोचना है, तुम तो 700 के लायक हो, एकदम ऊपर सोचो। कोई भी बुक चाहिए तो भैया भी एकदम बस बोल दो, अगले सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो बस अपने फैमिली के बदौलत खड़ी हूँ। और सच बोले तो और गोल विलेज का सही में बात करें तो बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा है। गोल विलेज का पूरा जो एक लाइब्रेरी था, जो एक पूरा एटमॉस्फेयर था, रात को जो अनाउंसमेंट होता था कि आज तुम लोग का सरप्राइज टेस्ट होने वाला है, आज और 15 मिनट में एकेडमिक बिल्डिंग, सब एक दूसरे का चेहरा देखता रहता था और हम लोग आ जाते थे सरप्राइज टेस्ट के लिए। जो पूरे सर होते थे, सेमिनार होता था, मतलब गोल विलेज बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस है। और इसके लिए मैं पूरे गोल के हेड टीम को, सारे जो सपोर्ट स्टाफ थे, जो वार्डन थी, सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू। एक चीज़ जो मैं एडमिट करती हूँ कि जो इस, ये मेरा 4th attempt था, तो जो 4th attempt में मैंने रियलाइज़ किया है कि सपने देखते सब कोई है। यहाँ जिसको भी बोलेंगे सब यही बोलेगा कि हमको 720 चाहिए, हमको एम्स दिल्ली चाहिए। पर सपने देखना और उसको करने में बहुत बड़ा गैप होता है। वो गैप जैसे सपने सोचने में ना कंफर्ट है, पर वो रियलिटी बनाने में जो काम करना होता है उसमें कंफर्ट नहीं है। क्या तुम वो कंफर्ट छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? ये हुआ ना बात। मेरा पिछले साल जैसे 586 मार्क्स था, हमको अच्छे से याद है पिछले साल फिजिक्स का पेपर देखे थे, मेरा एकदम बत्ती गोल हो गया था, ब्लैंक हो गए थे। और शायद उस दिन हम 2-3 क्वेश्चन और कर लेते तो यहाँ खड़े नहीं होते। भगवान का कृपा है कि हम 2-3 क्वेश्चन नहीं बनाए और अब हम खड़े हैं यहाँ पे। तो यही बात है, जब रिजल्ट आया था पिछले साल, हम तो BDS लेने के लिए बहुत इंक्लाइंड थे। सब मैसेज करते थे BDS वाले को कि बताइए ना BDS का स्कोप क्या है, वो क्या है। पर हमको याद है हम रंजय सर से मिले थे उस दिन मीटिंग में, और रंजय सर बोले नहीं तुम BDS मत लो, तुम्हारे में पोटेंशियल है। घर वाले से भी बात किए, घर बोले नहीं नहीं तुम करो, तुम्हारा एक चांस है, तुम्हें बनता है, क्या एक तो एक साल तो दो। तो दिए। और हम सच बोले तो हम पटना आए थे एक शादी अटेंड करने। BDS ड्रॉप ईयर ये तो दूर का बात है, किसको क्या पता था। हम रांची से हैं तो रांची का दर्शन अब हम सीधा एग्जाम टाइम करते। तो हम गए GV और हम सच बोले ना कॉन्फिडेंस ना किसी में नहीं होता, किसी में शुरू में नहीं होता कॉन्फिडेंस। हम भी आए थे तो हमको लगता था कि अरे बाप रे 6 महीना बचा है कि मेरे से होगा कि नहीं, अगर हम इस बार भी फेल हो गए तो मम्मी पापा को क्या बोलेंगे हम। तो कॉन्फिडेंस किसी में नहीं होता है। अगर तुम अभी डर रहे हो, नर्वस हो, तो ये अच्छा बात है। अगर तुम नहीं होते ना तब हम तुमसे पूछते कि क्यों नहीं डर रहे हो, ये तो शुरू का ईयर है, डरना चाहिए अभी, ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो अभी डरो, क्योंकि अगर दिसंबर में कोई हमको बोला होता, आराम से, हम
हम सच बता रहे हैं, अगर कोई दिसंबर में बोला होता कि मेरा 680 आएगा तो हम उस समय हंस देते हैं कि क्या बोल रहे हो, क्योंकि उस समय तो 600 प्लस भी बहुत बड़ा स्कोर था मेरे लिए। अब अगला बात बताएं तो जो यहाँ अभी इस साल वाले प्रिपरेशन वाले हैं उनके लिए मैं एक चीज़ बोल देती हूँ कि मार्क्स बढ़ने में, रैंक बेटर होने में और या फिर नेगेटिव कम होने में, ये सब चीज़ में समय लगता है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एक दो महीना भी नहीं, हो सकता है 3 महीना लग जाए तुम्हारा बढ़ने में, पर कोशिश तुमको छोड़ना नहीं है। बहुत लोग होते हैं कि रैंक अटक जाता है तो पढ़ना ही छोड़ देते हैं, ये तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, कोशिश तो कभी ज़िंदगी में कम नहीं करना है। अगर तुम ढीला जाओगे तो तुम कभी ना कभी रिग्रेट करोगे कि क्यों मैंने ढीला गया था। रिजल्ट हो जाएगा पर तुमको अंदर से लगेगा कि शायद मैं और के लिए डिजर्व करती थी। अब अगला चीज़ मैं बोलती हूँ कि प्रिपरेशन के दौरान सबसे बड़ा काम होता है टेस्ट्स का। टेस्ट तुम बहुत दो, बहुत। जैसे गोल विलेज में एक प्रिंटर वाले भैया थे, वो हमेशा 8:30 बजे PDF भेज दो और वो ला देते थे प्रिंट करवा के। और उनका तो इतना बोनी करवाया ना मैंने, पूछो मत। बहुत गजब वाला टेस्ट दिए थे इस साल। तो मेन चीज है अरे शांति 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 शांति। अब मेन चीज है कि टेस्ट दे रहे हो ना, तो टेस्ट से कभी भी इमोशन को अटैच मत करो। कि इसका मतलब है कि अगर ज्यादा आ रहा है तो ये मत सोचो कि अरे वाह ज्यादा आ रहा है, हम तो नीट में फोड़ देंगे, फोड़ दोगी नीट में। कम आ रहा है तो ए भगवान मेरा होगा कि नहीं। नहीं, बस तुमको 4 चीज़ देखना है टेस्ट में। कौन सा क्वेश्चन गलत की, कौन सा क्वेश्चन छोड़ी, क्या कंसेप्ट मेरे में लैग था, और चौथा कि ऐसा टाइम मैनेजमेंट मेरा कैसा था। बस ये 4 चीज़। इमोशन तो कभी टेस्ट से अटैच करना ही मत। और एक और चीज़ की, टेस्ट में मैंने एक फॉर्मूला कॉपी बनाया था, जो भी गलती होता था वो कॉपी में लिख लेते थे और उसको इतने बार रिवाइज किए, NCERT का बायो से ज़्यादा वो टेस्ट कॉपी रिवाइज किए हैं। क्योंकि एक बार तुम गलती कर लो तो वो गलती कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए, और टेस्ट इसी के लिए। अगर एक बार गलती कर लो, फिर से कर रहे हो, तो टेस्ट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक और चीज़ फिर, कि कभी भी टेस्ट में भेड़ बकरी वाला चाल नहीं चलना है, क्योंकि तुमको देखना है कि तुमको क्या सूट करता है। जैसे एक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, 5 लोग से पूछो, उसमें कम से कम 3 लोग तुमको बोलेगा कि बायो करो, फिर केमिस्ट्री करो, फिर फिजिक्स करो। पर ये एकदम ज़रूरी नहीं है कि तुमको वहीं सूट करे, क्योंकि मैं पहला 3 अटैम्प्ट यहीं की, पर इस साल मैं पूरा एक्सपेरिमेंट की, और मेरा था कि केमिस्ट्री, बॉटनी, फिजिक्स, फिर जूलॉजी, और ये बहुत अच्छे से सूट बैठा हमको। OMR में भी जैसे सबका डिफरेंट होता है, कोई लोग जैसे साथ साथ भरता है, कोई सब्जेक्ट वाइज भरता है, और कोई कोई लोग तो मेरे जैसे एंड में भरता है। तो सबका अपना है, तुमको देखना है कि तुमको क्या सूट करता है। अंधाधुन जैसे पिछले साल मृणाल कोतेरी ने बोल दिया कि मैं 4 घंटा पढ़ता था, वो तो पूरा एकदम बवाल मच गया। पर ऐसा नहीं है, नीट में मेहनत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, एकदम जी जान वाला। बस बस, अब आगे बात होता है कि बुक्स का। कोई ना कोई ये पूछेगा कि दीदी आपने बुक्स क्या लगाया, तो पहले बोल देते कि मेरा फंडा सिंपल था, बुक्स रखो सिंपल रखो। फिजिक्स में मैंने गोल का मॉड्यूल्स लगाया था, अनगिनत बार रिवाइज किया था, एग्जाम्पलर यूज़ किया था MCQ के लिए, और फिर NCERT यूज़ किया था। अब मेन चीज़ है कि NCERT फिजिक्स ना, जो तारक मेहता का नया एपिसोड नहीं है, उससे भी ज़्यादा बोरिंग NCERT फिजिक्स है। कम से कम तारक मेहता देखोगे तो बैठ के देख सकते हो, पर NCERT तुम खोलोगे तुम सो जाओगे। बट एक चीज़ है कि बस मॉडर्न फिजिक्स कर लो बस, और उसके अलावा समरी, पॉइंट्स टू पॉन्डर, ये सब करो, और क्वेश्चन तो सारे के सारे करो। अंदर पूरा छुपा के दिया है तो वो भी करो। NCERT का क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा। ऑर्गेनिक में फिर गोल के मॉड्यूल्स, और फिर बस NCERT। फिजिकल में मैंने कोई और बुक नहीं लगाया था, बस NCERT एग्जाम्पलर और JEE मेन के PYQ। बात आती है कि इनऑर्गेनिक और बायो की, तो मैंने उसमें एक चीज़ डिफरेंट किया था कि हमको क्वेश्चन बनाना अच्छा नहीं लगता था, लगता था कि रिवाइज करो,
उसमें अच्छा है कि मैं थियोरी बार बार कर लूँ, तो इनऑर्गेनिक और बायो ये दोनों में मैंने क्वेश्चन नहीं लगाया था, बस थियोरी थियोरी थियोरी, सोना है सो जाओ पर थियोरी पढ़ते रहो। तो ये आ जाता है बुक्स का। पर ये हमको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि जो मैं पढ़ी हूँ वही पढ़ो, जैसे पहले बोले तुमको क्या सूट करता है वो देखो। अब ये टेस्ट बुक ये सब तो नॉलेज का बात हुआ, बट एक चीज़ है कि नीट तुम्हारा नॉलेज चेक नहीं करता है, जो तुम्हारा फोकस लेवल है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे इस साल का पेपर था वो निहायत ही कन्फ्यूजिंग था, लग नहीं रहा था नीट पेपर दे रहे हैं, लग रहा था इंग्लिश ओलंपियाड दे रहे हैं। जैसे वो क्या नाम था, स्पर्मिएशन में फ्रॉम का इनटू कर दिया, बायोट सेवर्ट्स में ओनली डाल दिया, हाइड्राइड में दीज डाल दिया, ऐसे अंडशन, बस एक वर्ड की वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जा रहा था। तो लग रहा था सही में इंग्लिश ओलंपियाड दे रहे हैं। पर वही चीज़ है कि यही छोटा छोटा चीज़ मैटर करता है। नीट में ना मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम है, एक एक मार्क्स पे 200,000 बच्चे रहते हैं, तो यही छोटा छोटा चीज़ मैटर करता है। तो तुम जैसे तुम टेस्ट में हड़बड़ा जाओगे, पैनिक करोगे, तो तुम ये छोटा छोटा चीज़ तो देखना दूर, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है ना वो भी तुम गलत करके आओगे। तो इसलिए अपना फोकस लेवल बढ़ाओ। हम टेस्ट के पहले हमेशा सो जाते थे और हो सके तो 5 से 10 मिनट मेडिटेशन करते थे अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। फोकस बहुत ज़रूरी है। अब एक चीज़ और, जैसे पैसा हम लोग दूसरे को देते हैं तो बोलते समाज सेवा किया इंसान, वैसे ही वैसे ही तुम अपने डाउट्स को टीचर को देके बोलो, डाउट्स को टीचर को दो और अपना सेवा करो। क्या करोगे तुम डाउट्स अपने पास रख के, बेच तो नहीं पाओगे पैसा के लिए। तो डाउट्स को तुम बेझिझक टीचर को दो, ये मत सोचो कि दोस्त क्या बोलेगा वो क्या बोलेगा, तुम ये नीट क्लियर करने आए हो, अपने इंप्रेशन जमाने नहीं आए हो। तो हमेशा मन में रखो कि तुम यह बस नीट देने आए हो, प्रायोरिटी यही है, चाहे वो तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में हो चाहे वो स्टडी आवर्स में हो, ये दिमाग में रखो कि तुम यह बस नीट क्लियर करने आए हो, बाकी सब चीज़ सेकेंडरी है। अब थोड़ा एंड में आते हैं, एक चीज़ लास्ट कि सूडो स्टडी। जैसे 3 चैप्टर है, ब्रीदिंग, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये 3 चैप्टर कर लेते हैं ना तो हमको लगता है कि अरे वाह एक दिन में 2-3 चैप्टर कर लिए, बहुत बड़ा बात है ये तो। पर यही चीज़ तुम एक दिन में बस 1 चैप्टर करो, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, एनिमल किंगडम, बस 1 चैप्टर करोगे ना वो 2-3 चैप्टर से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। जो वीक चैप्टर है उस पर ज़्यादा काम करो, सूडो स्टडी, सूडो सेटिस्फेक्शन ही मत दो अपने आप को। अब लास्ट में बस ये बोलना चाहेंगे कि अपना जी जान लगा दो, जिस दिन रिजल्ट आया था उस समय तो सही में आग से आंसू आ गए थे, अभी भी आ रहे थोड़े थोड़े, ये वर्थ इट होता है। तो एकदम अच्छे से जी जान लगा दो, क्योंकि अगर मेरे लिए 600+ बड़ा बात था, हम 680 ला के यहाँ खड़े हैं, स्पीच दे रहे हैं, तो तुम लोग भी दे सकते हो, तुम लोग भी अगले साल यहाँ आ सकते हो। थैंक यू।